वेलकम टू रीड एंड लीड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 जनवरी 2020 का करंट अफेयर जो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, यदि पसंद आए तो लाइक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, फ्यूचर ग्रुप के साथ साझेदारी के लिए किस कंपनी ने सहमति प्रकट की है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों अमेजन। अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ साझेदारी के लिए सहमति प्रकट की है। अमेजन के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं कि अमेजन क्या है, किस किस का भी जो स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है। अमेजन की स्थापना की थी दोस्तों बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस समझौते के तहत फ्यूचर ग्रुप अमेजन के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा तथा अमेजन फ्यूचर ग्रुप का ऑनलाइन स्टोर होगा। ये दोस्तों अमेजन के बारे में है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि किस बैंक ने वीमेन इंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक ने दोस्तों वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। इंडियन बैंक के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं। इस साझेदारी के लिए इंडियन बैंक WEWA के सदस्यों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस देश ने हाल ही में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ईरान इसका सही आंसर है। ईरान ने इस हमले में 22 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इस हमले में 80 अमेरिकी सैनिकों को मारे जाने का दावा किया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में ये आयोजित किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय उच्चायोग के किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। बांग्लादेश के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है दोस्तों शेख हसीना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो राजधानी है दोस्तों ढाका। कला प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दिनों से लेकर भारत के कई आंदोलनों में हिस्सा लेने वाली अनूठी तस्वीरों का प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश की दोस्तों जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। राजधानी है बांग्लादेश की दोस्तों ढाका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। आप दोस्तों स्क्रीन पर देखते रहें, क्योंकि जैसे ही हमारी तरफ से कोई गलत क्वेश्चन टिक होता है तो यहाँ पर स्क्रीन पर ऑटोमेटिक जो है वो गलत हो जाएगा, सही पर दोस्तों ऑटोमेटिक राइट आंसर लग जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं इस पर आपको जो है गलत आकर दिखाई देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने गलत पर टिका था, वो सही वाले पर खुद ही सही का निशान लग गया है। विक्रम साराभाई जो है चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर जो है गुजरात में खोला गया है, गुजरात दोस्तों इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में दोस्तों ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है। गुजरात के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। गुजरात के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं दोस्तों आचार्य देवव्रत। ये जो दोस्तों उत्सव चलने वाला है 14 जनवरी को मकर संक्रांति तक चलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, चौथा बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आरंभ हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके का दोस्तों आप करंट अफेयर का वीडियो आपको डेली मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, चौथा बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आरंभ हुआ है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं दोस्तों जगदीप धनखड़ हैं और ममता बनर्जी यहाँ की CM हैं। इस महोत्सव में भारत और विदेश के करीब 50 से अधिक बर्ड वॉचर्स आने की संभावना है। महोत्सव के दौरान सुल्तान टाइड ग्रेट
स्पॉट ईगल और ग्रेट हॉर्नबिल सहित 300 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां राष्ट्रीय उद्यान में आकर्षण का केंद्र होंगे। पश्चिम बंगाल के दोस्तों आपको राज्यपाल पता होने चाहिए, जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं और सीएम दोस्तों यहाँ की ममता बनर्जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक कहाँ पर अपना परिचालन बंद करेंगी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका में ये अपना परिचालन बंद करेंगी। इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं कुछ क्या मामला है ये। दोनों बैंकों के अनुरोध पर यह श्रीलंका की सरकार ने यह अनुमति दी। बैंकों का परिचालन पूरा होने के बाद उन्हें जारी किए गए लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। कोलंबो पेज के मुताबिक श्रीलंका में अब दोनों बैंक का परिचालन अपना जो है परिचालन नहीं रख सकती। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक अपना परिचालन वहाँ पर अब बंद करेंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में दोस्तों 10 ही क्वेश्चन कवर करते हैं जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके का दोस्तों आपको डेली वीडियो मिला करेगा। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में पूछा गया कि हाल ही में सीएम ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश ने सीएम ऐप का जो है लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पोर्टल का जो मकसद है सरकारी कामकाजों में लोगों की भीतरी भागीदारी बढ़ाना। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए दोस्तों यह ऐप को जो लॉन्च किया गया है। पोर्टल की मदद से राज्य के लोग अपने विचार सुझाव प्रतिक्रियाएं और शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।